नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार और चुनाव हमेशा होते रहते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी समर पूरा हुए अभी एक हफ्ते का समय भी नहीं बीता है और राजनीतिक दलों ने दूसरे राज्यों में चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में अब चुनावी जंग शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण बिठाने और अपनी अपनी गणित लगाने शुरू कर दी है। दिल्ली में एक ओर जहां अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी करने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस हैं जो दिल्ली में अपना सत्ता का वनवास खत्म करना चाह रहे हैं। अगर दिल्ली के पिछले दो चुनावों के नतीजों को देखें तो मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी ज्यादा मजबूत रही है। दिल्ली को भाजपा कांग्रेस से इतर एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा पसंद आई है। 2015 के चुनाव में जहां केजरीवाल की झाड़ू पूरे जोश में चली थी और 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर बंपर जीत हासिल करते हुए विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था, सिर्फ बीजेपी 3 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी, जबकि कांग्रेस शून्य पर ही सिमट गई थी। उसके बाद 2020 में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। 5 साल पहले 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने 2020 में 62 सीटों पर अपनी झाड़ू चलाई थी, यानी 5 साल में केजरीवाल को सिर्फ 5 सीटों का ही नुकसान हुआ था। 2015 और 2020 के नतीजों को देखने के बाद तो ये ही लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल को हरा पाना भाजपा या कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर केजरीवाल को 15 से 20 सीटें भी नुकसान होता है तो भी वो राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बार की लड़ाई जो है वो केजरीवाल के लिए भी उतनी आसान नहीं है जितनी थी, क्योंकि इस बार 5 साल में हालात जो हैं काफ़ी बदले हैं और अब आम आदमी पार्टी में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि अब आपकी लोकप्रियता में भी बदलाव हुआ हो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली में इतना नीचे गया है कि उन्हें सत्ता में वापसी से रोक सके। दरअसल इस बार विधानसभा चुनावों में जब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी तो उसके ऊपर कथित शराब घोटाले का दाग लगा होगा, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल समेत पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन व संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल जाना पड़ा। साथ ही इस बार चुनाव के लिए जब केजरीवाल जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं तो वो एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में है, क्योंकि जेल से वापस आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दाव चलते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी जगह पार्टी के भरोसेमंद मानी जाने वाली आतिशी को सीएम की कुर्सी सौंप दी थी। बेशक आतिशी को सीएम की ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से मिली है, इसीलिए उन्होंने इसे उसी तरह अपनाने की बात कही थी जिस तरह से भगवान राम के वनवास में होने पर भरत जी ने अयोध्या में उनके खड़ाऊ रख कर के शासन किया था। आतिशी के इस कदम का बीजेपी ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी बताया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी जो है वो जिस तरह से काम कर रही हैं और फैसले ले रही हैं उससे पूरी दिल्ली में उनके चर्चे हो रहे हैं और जनता को उनका काम काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि आतिशी के अब के फैसलों और उनके काम पर चुनावी होने का दाग लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ भी हो आतिशी अपने फैसलों से जनता का भला तो कर ही रहे हैं। केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद से ही सियासत को बदल दिया है, क्योंकि शुरुआत में वो बाकी राजनीतिक दलों से अलग रहे हैं और एक नए तरह की राजनीति करते दिखे जिसमें जनहित को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसने जो है उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करके खड़ा किया है। केजरीवाल के इन दोनों कदमों की दिल्ली समेत पूरे देश में काफी चर्चा और सराहना हुई। इसके अलावा जिस तरह से केजरीवाल ने फ्री बिजली और फ्री पानी की रेवड़ी बांटी उसे जनता ने सहर्ष स्वीकार किया। भले ही पीएम मोदी समेत पूरा विपक्ष केजरीवाल की इस फ्री बीज रणनीति पर सवाल उठा रहा हो और उनकी आलोचना करता हो, लेकिन केजरीवाल को इस फ्री बीज का लाभ मिलता जो है वो देखकर धीरे धीरे भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनावों में जनहित के मुद्दों को छोड़कर के फ्री बीज और रेवड़ियां बांटने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके चलते जनहित के मुद्दे पीछे छूटते चले गए। फ्री बीज देश या समाज के लिए कितना सही है या कितना गलत है ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इस फ्री बीच ने काम किया है जिसकी बदौलत केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के दिल में अपनी जगह बना रखी है। लेकिन पिछले 1.5 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ काफी कुछ घटित हुआ है।
जिसने कहीं ना कहीं उनकी इमेज और प्रदेश में उनकी ग्राफ पर भी काफी असर डाला है। इस दरमियान आम आदमी पार्टी पर कथित दिल्ली शराब घोटाले का दाग लगा है, जिसकी चपेट में आकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से एक मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। उनके अलावा एक अन्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन केजरीवाल अपने नेताओं को एक एक करके जेल जाने के बाद भी झुके नहीं और भाजपा पीएम मोदी पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने और केजरीवाल की आवाज को दबाने का आरोप लगाते रहे। केजरीवाल अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शराब घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची और वो बतौर मुख्यमंत्री जेल जाने वाले देश के पहले सीएम बन गए। केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह का माहौल बदला और भाजपा केजरीवाल पर हावी हुई, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी का यहां से डाउन फॉल जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुलकर सामने आई और जनता के बीच उन्होंने एक भावुक संबंध बनाना शुरू किया। वो अक्सर केजरीवाल की अनुपस्थिति में सोशल मीडिया पर अपनी बात कहती रही और अरविंद केजरीवाल के हवाले से भी बातों को रखती रही। साथ ही पार्टी में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने आपको लगातार चर्चा में बनाए रखा और बीजेपी का मुकाबला जो है करते रहे। लेकिन इसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने फिर से भाजपा को घेरना और चुनाव के लिए अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसने आम आदमी पार्टी को फिर से जीवंत कर दिया। हालांकि इस दौरान हुए लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस से मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन अफसोस कि 2014, 2019 की तरह इस बार भी दिल्ली में विपक्ष का खाता नहीं खुला। दिल्ली के सभी सातों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया, लेकिन ऐसा 2014 2019 में भी हो चुका है। लेकिन फिर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की झाड़ू के आगे सभी विरोधी साफ हो गए और पार्टी बंपर बहुमत में से सत्ता में आए। इसीलिए इस बार भी लोकसभा नतीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी परेशान नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी की परेशानी है इस बार उनके ऊपर लगा शराब घोटाले का दाग, जिसके साए में खुद अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेता जेल की हवा तक खा आए हैं। हालांकि कोई आरोप किसी पर साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन जनता पर इस घोटाले का क्या असर पड़ा है और इससे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जब दिल्ली चुनावों में सिर्फ कुछ महीनों का समय बाकी रह गया है, तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यही नहीं, खुद को विपक्षियों से आगे रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। इसके अलावा वो आए दिन दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए अपनी चुनावी अभियान की भी शुरुआत कर चुके हैं। चुनावी मोड में जुटे अरविंद केजरीवाल आए दिन अपने नेता, विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और अपने विधायकों को नए नए टास्क दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 13वें स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी विधायकों और पार्षदों को एक नया टास्क दिया है। केजरीवाल ने आप विधायकों पार्षदों से रोजाना सफाई कर्मियों के साथ चाय नाश्ता करने की अपील की है। इस अभियान की शुरुआत केजरीवाल ने अपने इलाके के सफाई कर्मियों को अपने घर चाय पर बुलाकर उनके साथ चाय पीकर की। केजरीवाल ने पार्टी विधायकों को भी अपील की है कि सभी विधायक और पार्षद अपने अपने घर पर 100 से 100 या फिर 50-50 के ग्रुप में सफाई कर्मियों को बुलाएं, उनके साथ समय बिताएं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करें। काम तो चलता रहता है, थोड़ा वक्त उनके साथ हंसी खुशी में बिताएं। केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने सभी एमएलए और पार्षदों से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें अपने घर पे चाय या खाने के लिए जरूर बुलाएं, उनका सम्मान करने के लिए। अगर किसी इलाके में संख्या ज्यादा है तो 3 या 4 बार में बुला करके सम्मान करें। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन उन्हें अपने घर पे नहीं बुलाते हैं। लेकिन आप अपने घर पे बुलाएं, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठकर समय बिताइए, चाय नाश्ता कीजिए। अपने विधायकों पार्षदों को निर्देश देने के साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी के झुग्गी प्रवास कार्यक्रम को लेकर भाजपा पे तंज कसते हुए ये भी कहा कि जैसे लोग छुट्टी लेकर कहीं मन बहलाने जाते हैं, कोई गोवा जाता है, वैसे ही बीजेपी वाले झुग्गी टूरिज्म करते हैं। ये गरीबी का मजाक है, रहना है तो 3-4 महीने तक रहकर देखो। केजरीवाल ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल झुग्गी में बिताए हैं। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि झुग्गी वाले उनसे सावधान रहना, 1 साल बाद ये लोग बुलडोजर लेकर आपकी ही वही झुग्गी तोड़ने चले आएंगे। एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए पहचाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने
विधायकों पार्षदों को सफाई कर्मियों के साथ नाश्ता चाय करने का टास्क दे करके चुनावों से पहले एक बार फिर से एक नया दाव चला है। केजरीवाल के कदम बीजेपी को कमजोर बनाने के लिए है। सत्ता में आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का प्रभाव है निम्न वर्ग पर ज्यादा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपर क्लास भले केजरीवाल से नाराज हो लेकिन छोटा तबका यानी कि गरीब जो लोग होते हैं अभी भी केजरीवाल के साथ बने हुए हैं और उसे केजरीवाल का समर्थन मिल रहा है। अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाने वाला केजरीवाल का ये नया प्लान है जिसमें उन्होंने एक बार फिर से छोटे तबके को साधने का प्रयास किया है। सफाई कर्मियों के जरिए केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली की छोटी पब्लिक को साधना चाहते हैं और उसे अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों का कार्यकल्प, मोहल्ला क्लिनिक और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना केजरीवाल का हर कदम छोटी पब्लिक को जोड़ने वाला रहा है जिसने केजरीवाल को सफलता भी दिलाई है। अब एक बार फिर से केजरीवाल उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर केजरीवाल अपने इस दाव से भाजपा और कांग्रेस को चारों खाने चित कर पाएंगे या फिर कथित शराब घोटाले का दाव केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ग्राफ पर कोई असर डाल सकता है। फिलहाल केजरीवाल के इस दाव से बीजेपी के हाथ पांव जरूर फूल गए हैं। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद। नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वह लॉ अफसर होण, चाहे वह फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें।